यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हो रहे नामांकन का पांचवा दिन है। अब बीजेपी की ओर से फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से चौधरी उदयभान सिंह ने और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र वर्मा ने अपना नामांकन पर्चा भरा, तो वहीं बसपा की ओर से फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से उमेश सैंथिया और आगरा दक्षिण से जुल्फिकार अहमद भुट्टो ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशियों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से अपना नामांकन किया है। अभी तक भाजपा और बसपा के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन नहीं दाखिल किया है। जीवन की तपस्या, मेरी कर्मठता और जीवन की तपस्या के आधार पर जो मैंने विश्वसनीयता और साख बनाई है, और मेरी भारतीय जनता पार्टी का आभा जो और विश्वास पूरे देश में फैला है उस आधार पर, और उत्तर प्रदेश में जो जनता भारतीय जनता पार्टी को आवाज़ देकर के बुला रही है और कह रही है आइए सत्ता संभालिए, उस सब के आधार पर मुझे विजयश्री हासिल होगी। ये तो राजनीतिक वो सामाजिक जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है। सामाजिक जीवन में आपस में कहीं कटुता थोड़ी आती है। वे मेरे से छोटे हैं, मुझे जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, प्यार से मिलेंगे। राजनीति का मतलब दुश्मनी नहीं है, हैं जियो हजारों साल, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नामांकन किया और किस लिए करते हैं? भाई नामांकन किया किस लिए करते हैं? नामांकन जीतने के लिए किया। क्या स्थिति है क्षेत्र में? क्या बहुत बढ़िया स्थिति है क्षेत्र में। मुद्दे क्या हैं आपके पास? बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जनता को और कोई मुद्दा नहीं है, सब चाहते हैं। क्षेत्र की समस्या क्या है बताइए? आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, समस्या तो बताएंगे। बताएंगे बताएंगे कितनी चुनौतियां बताएंगे। चुनौतियों से भरा है, चुनौतियों से भरा हुआ है प्रदेश। सब मेरे को मालूम है, सबको दूर जनता सब मुझे मालूम है। जो समस्या है पानी की, मैदान में आ चुके हैं, कोई परेशानी किसी से नहीं है। बशीर भी आ चुके हैं, कितनी भाई लोकतंत्र है, सभी आएंगे यार।